हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास का बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बुक है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के पोर्शन का पहला चैप्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर्स और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं और मैंने अपने नोट्स में फिल इन द ब्लैंक्स बाद में लिखे हैं, लेकिन पहले वो वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखे हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लिख लेना। पहले इसके 10 ब्लैंक्स हैं और 10 ब्लैंक्स में पहले ब्लैंक में आएगा नेचुरल डिजास्टर्स, दूसरे में 4 और तीसरे के 2 डैश हैं, थर्ड एंड फोर्थ स्नो एवलांच, ड्रॉट, फैमाइन, वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड, अर्थक्वेक, रेक्टर स्केल। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आपका वन वर्ड आंसर्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स एक वर्ड में देने हैं। ये 5 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, तो मैंने ये भी लिख रखे हुए हैं यहाँ पे। पहले का आएगा अर्थक्वेक, नंबर सेकंड लैंडस्लाइड, नंबर थर्ड फ्लैश फ्लड, नंबर फोर्थ फ्लैश फ्लड, इसमें भी फ्लैश फ्लड ही है, दोनों में फ्लैश फ्लड आएगा, एंड नंबर फिफ्थ अर्थक्वेक। ठीक है, ये हमें एक ही वर्ड में आंसर्स देने थे तो एक ही वर्ड में मैंने भी लिखे हैं। उसके बाद आपका तीसरा पोर्शन जो है चैप्टर का, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, वो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप फिर से देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर, हजार्ड और डिजास्टर के दरमियान कौन सी फर्क है? तो इसका आंसर है, हजार्ड इज अ डेंजरस सिचुएशन दैट पजेस अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, व्हाइल डिजास्टर इज एन इवेंट दैट कंप्लीटली कॉजेस डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नेचुरल डिजास्टर एंड लिस्ट फ्यू। इसका आंसर है, अ नेचुरल डिजास्टर इज अ मेजर एडवर्स इवेंट resulting from natural processes of the earth, examples floods, earthquakes, tsunamis, avalanches, etc. And question number 3, write down some events of earthquakes in India. तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, some events of earthquakes in India are, ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, year, place and magnitude, कौन से साल में आई, कहाँ पे आई और उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या था। 2001 में गुजरात में 7.7, 15 जनवरी 1934 बिहार में 8.1, 30 सितंबर 1939 महाराष्ट्र 6.4, 15 अगस्त 1950 आसाम 8.6, 8 अक्टूबर 2005 J&K 7.6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉट एंड फैमाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉट एंड फैमाइन। इट्स आंसर इज, ड्रॉट कैन बी डिफाइंड एज अ लैक और शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एन अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड, अ फैमाइन इज अ वाइड स्प्रेड स्कैसिटी ऑफ फूड कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्रॉप फेलियर, पॉपुलेशन इम्बैलेंस एटसेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेट ब्रीफली हाउ एन अर्थक्वेक occurs. Answer, an earthquake is caused by a sudden shaking of earth's surface due to release of energy in the earth's crust. This energy is released when two parts of the rock masses move suddenly in relation to each other along a fault. ये थे आपके very short answers. अब इसके बाद आते हैं long answers. Long answers में से पहला question, what do we understand by mitigation? Give some examples. तो लॉन्ग आंसर्स के, लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स
तो पहले क्वेश्चन का आंसर, मिटिगेशन रेफर्स टू ऑल एक्शंस टेकन बिफोर अ डिजास्टर टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट्स. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिटिगेशन इंक्लूड रिवाइविंग बिल्डिंग कोड्स एंड बिल्डिंग यूज रेगुलेशन. फिर ये इसी के साथ है, इसी क्वेश्चन के साथ, जोनिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स, पब्लिक अवेयरनेस, पॉलिटिकल इंटरवेंशन एंड कमिटमेंट. तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, लिस्ट सम ऑफ द मेजर नेचुरल डिजास्टर्स दैट आर लाइकली टू अकर इन हिली रीजन्स, इलाबरेट एनी वन ऑफ देम. हिली रीजन्स आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, अलॉन्ग विद लैंडस्लाइड्स, क्लाउडबर्स्ट, एवलांच, वाइल्ड फायर, फ्लड्स एटसेट्रा आर द मेजर नेचुरल डिजास्टर्स दैट आर लाइकली टू अकर इन हिली रीजन्स. इलाबरेशन ऑफ लैंडस्लाइड्स. A landslide is a geological phenomena which includes the movement of a mass of soil, rock or debris downslope. Landslides are caused due to heavy rainfall, snowfall or earthquakes. And slides are mostly observed to affect hilly areas and are recurring phenomena occurring in all parts of India. The major consequences of landslides include blocking of streams, overflowing of lakes, disruption of vehicular movements, risk of accidents. Now the third question is, what is a drought? Describe how it can be prevented. Drought can be defined as a lack or shortage of water for an unusually long period. A situation of drought occurs generally when a region receives consistently below average precipitation. Some commonly adopted mitigation strategies should be followed to prevent droughts are construction of dams to store water, proper selection of drought resistant crops for drought affected areas, soil conservation techniques, reducing deforestation. Now the fourth question is, what are the relief steps that need to be taken in the aftermath of landslides or snow avalanches? Its answer is, the relief steps that need to be taken in the aftermath of landslides or snow avalanches are as follows. First, giving medical assurance to the injured ones, providing emergency shelters for those who lost their home, opening up of access road if the road get blocked, restoring communication channels. Question number 5 and last question, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पे mistake हुई है, question number 6 लिखा गया है, यहाँ पे ये 6 नहीं, बल्कि 5, question number 5 है. And question number 5 is, describe some of the safety measures that should be adopted during an earthquake. The answer is, the safety measures that should be adopted during an earthquake are as follows. Stay away from glass, window mirrors and chimneys. If in danger, get under a table, desk or bed in a corner away from the window. Don't run but walk calmly outside to an open area. Don't drive. Don't use elevators while coming out of a building in a street. Use staircases. Okay, dear students, ये आपका first chapter था disaster management का. और इसके बाद हम chapter number 4 जो है इसी book का man-made disasters, वो हम next video में discuss करेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया.